राजस्थान और नागेंद्र दास अयोध्या हनुमानगढ़ी के पहलवान। 2022 के बाबा बोरा सुखधाम मेले की शुरुआत और अखाड़े की पहली कुश्ती, साथ ही गोपालपुर थाना प्रभारी जो प्रशासनिक क्षेत्र से इस मेले की व्यवस्था को संभालने के लिए आए हुए हैं, मेला समिति उनके इस क्रियान्वयन के हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती है और उनका हार्दिक अभिनंदन मेला समिति के द्वारा, मेला समिति के वॉलंटियर। यह दंगल शेरू पहलवान राजस्थान और नगेंद्र दास पहलवान अयोध्या हनुमानगढ़ी से हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं, एक साइड में शेरू पहलवान राजस्थान से और दूसरे साइड में नगेंद्र दास पहलवान हनुमानगढ़ी से। तो दोस्तों, यह दंगल गोपालगंज के एक छोटे से गांव नरहवा सुकुल में किया जाता है और इस छठ के सुबह जिस दिन अर्घ रहता है उसी दिन ये दंगल कराया जाता है। ये दंगल दो दिन के लिए कराया जाता है। तो दोस्तों, चलिए देखते रहते हैं कि किसका हार और किसका जीत होता है। छोड़ देंगे, इसलिए पहले बैठ जाइएगा, अपना स्थान सुनिश्चित करिएगा। अरे भाई साहब, तोड़ दीजिए, साइड में रहे। मेले का शुभारंभ आज 2022 में बाबा बोरा सुखधाम मेला का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में गोपालगंज में ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा विख्यात ट्रांसपोर्ट शाही रास्ते वाली कांग्रेस शाही जो बरौनी निवासी है उनके द्वारा मेला समिति को यह पुरस्कार दिया गया। किसी प्रकार के दुर्व्यवहार के दोषी पाए जाएंगे तो इस सेशन के लिए आप लोग बिल्कुल किसी भी प्रतियोगिता के हकदार नहीं होंगे, आप लोगों का आना बेकार हो जाएगा, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा मेला समिति के द्वारा इस साल के अखाड़े के लिए। तो यहाँ पे देखिए, शेरू पहलवान राजस्थान को नगेंद्र दास पहलवान के मुंह में माटी डालकर बेईमानी कर रहा है और बोलने पे बदतमीजी पे उतर गया है। तो दोस्तों, लास्ट तक देखिए इसका क्या हाल होता है। आप लोगों के सामने और यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार शेरू पहलवान राजस्थान वाले ने नगेंद्र दास पहलवान को अयोध्या वाले को चिरगी पकड़ के खींच रहा है और बदतमीजी पे उतर गया है। लोगों के कहने से भी नहीं मान रहा है, मगर बदतमीजी बार बार ये बदतमीजी कर रहा है। नगेंद्र दास अयोध्या वाले पहलवान को बार बार एक टारगेट कर रहा है और कि भाई मुँह में माटी डाल देता है, कभी चिरगी पकड़ देता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो है शेरू पहलवान राजस्थान को जीत करके नगेंद्र दास पहलवान अयोध्या वाले ने जीत हासिल किया है। दोस्तों, नगेंद्र दास पहलवान अयोध्या वाले ने काफ़ी मार और काफ़ी दिक्कत सहते हुए यहाँ पे जीत को हासिल किया है और इनके जीत को देखते हुए सभी लोग यहाँ पे खुश हो गए, क्योंकि बहुत परेशानी सह कर और ये जीत हासिल किए हैं। तो दोस्तों, चलिए अगले दंगल को दिखाते हैं आप लोगों को। राजस्थान और गंगा पहलवान हरिद्वार, ये आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार से नीले बनियान में और लाल बनियान में राजस्थान से, दोनों की कद काठी सेम है और दोनों का वजन भी बराबर है। अपने अपने भार वर्ग में दोनों पहलवान Thank you.
ये दोनों पहलवान हमारे जो दर्शक हैं एकदम मलते हुए, आप जानते हैं कि यह दोना बाबा का सिद्ध स्थान है। दोना बाबा एक तपस्वी महर्षि थे जिनके आशीर्वाद से इस पूरे इलाके का संरक्षण होता है। हर व्यक्ति के मन में दोना ब्रह्म स्थान के प्रति बड़ा आदर है और उन्हीं के नाम पर यह मेला अति प्राचीन लगता है। आप जानते हैं कि कुश्ती की प्रतियोगिता प्राचीन है। तो ये भी पहलवान राजस्थान वाला गुंगा पहलवान हरिद्वार के मुंह में माटी डालकर और परेशान कर रहा है। दूसरे वाला भी पहलवान को दिखाए हैं राजस्थान को, वो भी बेईमानी पर उतर आया था, ये भी बेईमानी पर उतर आया है और हरिद्वार वाले पहलवान को बार बार मार रहा है और मुंह में माटी डालकर देखिए कैसे दबाया है। तो ये भी पहलवान जो है बेईमानी कर रहा है इस दंगल में। तो चलिए आगे तक लास्ट तक देखते रहिए किसका हार और किसका जीत हो रहा है। लास्ट तक बने रहिए। बिल्कुल घबराइए नहीं, देखिए ये दांव ना जितना बढ़िया दांव उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षा। ना 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 जा रहे अपना आसान बाहर इतना तेज देखिए देखिए ये पहलवान गुंडा बड़े गुंडा बड़े अरे रुको ना, इनका धोवा तो अब रुको, इनका खाली उठे है। अरे धोवा तो इनका अरे वाह राजा, देखिए कितना आक्रमण पर आक्रमण ये हमारे हरिद्वार वाले कर रहे हैं, बट राजस्थान भी कम नहीं है, पीठ नहीं लगा पाए। हमारे तमाम पहलवान यहाँ अखाड़े पर मौजूद हैं। हम पहलवानों से भी निवेदन करेंगे कि कोई ऐसा दाव जिससे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचता है। और यहाँ पे देखिए गुंगा पहलवान ने फिर से एक बार राजस्थान वाले पहलवान को चित करके अपना जीत हासिल किया है। काफ़ी परेशान हुआ है, काफ़ी परेशानियों को सहते हुए गुंगा पहलवान ने यहाँ पे जीत हासिल किया है। ये लाल रंग के बनियान में जो है ये हैप्पी राजस्थान से है और येलो रंग के बनियान में अमृतसर से बग्गा पहलवान, दोनों की हाइट बराबर है, कद का ठीक सेम है और वजन भी करीब करीब बराबर है, शरीर भारी है। वास्तव में मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों यह कुश्ती कराया गया था हैप्पी पहलवान और बग्गा पहलवान ने। दोस्तों एक मिनट में ही रिजल्ट सामने आ गया, हैप्पी पहलवान चित और बग्गा पहलवान ने चित कर दिया, यहाँ पे विजयी हुए बग्गा पहलवान। तो दोस्तों टाइम को देखते हुए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय नमस्कार। बग्गा पंजाब बग्गा का जय घोषित किया गया है।